अब हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन करने लगे हैं, जिसमें उसने कहा है सेल की है गुड्स देव को 4,50,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 2% कैश डिस्काउंट है, हाफ ऑफ द पेमेंट जो कह रहा है वो हुई है विद इन द स्पेसिफिक चेक के थ्रू हुई है विद इन द स्पेसिफिक टाइम, जो भी टाइम था उसके विद इन पेमेंट कर दी गई है। सो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ मैं एंट्री डालने लगी हूं, इसकी एंट्री में क्या क्या जाएगा। सो देव है, कुछ पेमेंट कैश चेक के थ्रू हुई है, मतलब कुछ अभी कुछ के पैसे नहीं आए हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, हमारे डेटर्स होंगे। सो डेटर कौन है हमारा, देव है। सो देव डेबिट, कुछ बैंक के थ्रू जा रही है, चेक के थ्रू गई है, मतलब बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बाकी क्रेडिट होगी सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। नाउ उसके वर्किंग नोट्स बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले उसने कहा हमारे गुड टोटल थे 50,000 के गुड्स थे, उसके ऊपर CGST SGST लगाना है और ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट में से क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। टोटल सेल हमारी हुई 50,000, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट आएगा 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 5,000। सो ट्रेड डिस्काउंट आया 5,000, 50,000 माइनस 5,000 हमारे पास क्या आएगा, 45,000। तो ये कितने, ये किसके आगे लिखेंगे अमाउंट, हम सेल्स के आगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम CGST SGST लगाएंगे, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो अब CGST और SGST दोनों उसने कहा 6% पे थे, तो उन दोनों की जो कैलकुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। सो 45,000 के ऊपर हम लगाएंगे 6%। सो जब हम 45,000 के ऊपर 6% लगाएंगे, हमारे पास आएगा 2,700। सो इट इज 2,700 ईच, सो 2,700 दोनों के लिए लगाएंगे। नाउ अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा पूरा क्रेडिट आ गया, क्रेडिट के सारे अमाउंट्स आ गए, हम डेबिट के निकालेंगे। सो सबसे पहले क्या कर रही हूं, क्रेडिट साइड टोटल कर रही हूं। ओके, इसका टोटल आएगा हमारे पास 50,400 जब हम पूरा क्रेडिट साइड को टोटल कर देंगे। अब उसने कहा हाफ पेमेंट ही रिसीव हुई है और वो भी चेक के थ्रू हुई है। सो क्रेडिट में पहले अमाउंट डाल देते हैं। अब इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, हम 50,400 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये दो इक्वल अमाउंट पे डिवाइड हो जाएगा। सो ये आएगा आपके पास 25,200, मीन्स इतना अमाउंट देव को पे कर दिया, ठीक है, और इतना हमने कैश में पे कर दिया, जिसमें हमने कैश में जहां से पे किया है उसके ऊपर ही सिर्फ डिस्काउंट लगेगा। जितनी की पेमेंट हो चुकी होती है या पेमेंट कर रहे होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर डिस्काउंट लगाते हैं, जिसकी अभी आई ही नहीं है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। सो देव का 25,200 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब है जो बैंक के थ्रू पेमेंट गई है, दैट इज ऑल्सो 25,200, सो 25,200, बट इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे कैश डिस्काउंट, जो कि हमारे पास कितना है 2%। तो इसका जब हम 2% करेंगे, हमारे पास आएगा
504. So 504 को हम डिस्काउंट के आगे पुट कर देंगे. नाउ 25,200 माइनस 504 तो हमारे पास आएगा 24,696. सो ये जो अमाउंट है हम इसको बैंक के आगे लिख देंगे, दैट इज 24,696. ये था कैश डिस्काउंट. और अगर हमें सीजीएसटी दिया हो, कैश डिस्काउंट दिया हो, ट्रेड डिस्काउंट दिया हो और उसने कहा हो कि हाफ पेमेंट ही रिसीव हुई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है.